Hi kids, and welcome to today's English class. And once again I am back with the series Little Journeys, an English reader for class 7 by Brain Root Publications. So children, today we shall start with chapter number 3 of this book. And the title of the chapter is The Three Questions. Teen Sawal. So a very, very interesting story where a king sets on to a journey to find the answers of three important questions. So let's find out this story. Chaliye padhte hain. In this story, the king wants to know the answer to his three questions from his people. जो कहानी है यहाँ पे राजा को तीन सवाल बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं. वो इन तीन सवालों के हल बहुत दिनों से ढूंढ रहा है. कई लोगों से पूछा पर उसे हल नहीं मिल पा रहा है. When he does not get the right answer from his people, the king goes to a sage there. The sage explains the answer to his three questions. So, राजा को जब अपने सवालों का जवाब अपनी प्रजा से और बाकी लोगों से नहीं मिलता तब वो बहुत ही ज्यादा चिंतित और निराश हो जाता है. फाइनली वो इन सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते एक मुनि के पास जाता है, एक ऋषि के पास जाता है. सेज मीन्स अ साधु और अ ऋषि. ओके, तो एक ऋषि मुनि के पास जाता है जो कि उन्हें उनके सवालों का जवाब देता है. तो आइए पता करते हैं कि ऐसे कौन से सवाल थे जिनके लिए राजा परेशान था और उन सवालों के जवाब क्या थे. So let's begin. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. These three things were: what is right time to begin something, which people should he listen to, and what is the most important thing for him to do. किसी शहर का एक राजा था जिसको अचानक एक दिन एक ख्याल आया. उसने सोचा कि अगर उसके पास तीन सवालों के उत्तर हों तो वो कभी भी कोई गलत फैसला नहीं करेगा और उसका हर काम सही होगा. अब ये तीन सवाल क्या थे? पहला सवाल था, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, यानी किसी भी काम को शुरू करने का सही समय कौन सा है. द सेकेंड क्वेश्चन वॉज, विच पीपल शुड ही लिसन टू. दूसरा सवाल था कि वो कौन से लोग हैं जिनकी बातें उसे हमेशा माननी चाहिए या सुननी चाहिए. और तीसरा सवाल था, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, सबसे ज्यादा जरूरी काम कौन सा है जो उसे करते रहना चाहिए या करना चाहिए. ठीक है. द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज थ्री क्वेश्चंस. अब राजा ने क्या किया, राजा ने अपने संदेश वाहकों को सारे राज्य में भेज दिया और ये घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति इन तीन सवालों के सही सही उत्तर राजा को देगा वो उस व्यक्ति को बहुत सारा धन इनाम में देंगे. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. अब बहुत से ज्ञानी विद्वान लोग जो है राजा की घोषणा सुनने के बाद उनके दरबार में आए और उनको इन सवालों के जवाब दिए. पर हर कोई इन सवालों के अलग अलग जवाब देता. राजा कंप्लीटली कंफ्यूज हो गया, वो चकरा गया कि सही जवाब कौन सा है और किसी भी जवाब से उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड दैट द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, ओनली इन दिस वे दे शुड ही कुड डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. सो जो राजा का पहला सवाल था उसके आंसर में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए. ठीक है, अपनी एक दिनचर्या निर्धारित कर लेनी चाहिए और उस दिनचर्या के हिसाब से सारे काम करने चाहिए. सिर्फ यही एक रास्ता है कि सारे काम सही समय पे पूरे किए जा सके. अब कुछ लोगों ने इसके विपरीत बोला, कुछ लोगों ने बोला इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. कुछ लोगों ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी भी काम को
निर्धारित कर सके कि यही बिल्कुल सही समय है। आप समय को किसी भी तरह से डिसाइड नहीं कर सकते। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट द टाइम। और राजा को क्या करना चाहिए, राजा को हर एक तरफ ध्यान लगाना चाहिए और कभी भी किसी उल्टे चीजें कामों में दिमाग नहीं लगाना चाहिए, सारा ध्यान जो है राज्य के कामों में केंद्रित करना चाहिए, यही एक विकल्प है। ठीक, लेकिन कुछ और लोगों ने कुछ और बोला। क्या कहा? Yet others said the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others, the right time for every action. अब बाकी लोगों ने क्या बोला? बाकी लोगों ने कहा कि राजा को अपने अंडर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या विद्वानों की सभा रखनी चाहिए ताकि वो उनसे हमेशा सलाह ले ले, उनसे पूछ पूछ के हर काम को करे। जब भी राजा को कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना हो या निर्णय लेना हो, वो उन विद्वानों की सभा से बातचीत करें और वो विद्वान जो है फिर उसे बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है। But then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of council. In order to decide the right time for doing something, it was impossible to look into future. Only magicians could do that. The king therefore would have to go to magicians. अब कुछ और लोगों ने कहा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हर काम की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है और अर्जेंसी है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो अभी के अभी करने होते हैं, जिनको बहुत ही जल्दी जल्दी में करना होता है। अगर राजा बैठ जाएगा कि कब मंत्रियों की सभा या विद्वानों की सभा सलाह देगी तब राजा उस काम को करेगा, तो कई बार कई सारे काम जो है अधूरे रह जाएंगे या उन्हें करने में देर हो जाएगी। इसीलिए कौन सा काम कब हो सकता है या किस तरीके से हो सकता है, ये तो कोई जादूगर ही बता सकता है, कोई मजिशियन ही बता सकता है। इसीलिए राजा को मजिशियंस यानी जादूगर अपने पास रखना चाहिए। अब राजा कंप्लीटली कंफ्यूज हो गया, उसे एक भी जवाब नहीं भाया। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। Others said the priest, a few others chose doctors, and yet others says that his soldiers were the most necessary. अब राजा के दूसरे सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी लोग या खास लोग राजा के लिए उसके मिनिस्टर या मंत्री हैं। कुछ लोगों ने बोला नहीं नहीं मंत्री नहीं, राजा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी लोग तो पुरोहित हैं जो कि हर एक चीज का ज्ञान कराते हैं। ठीक है ना, वेद उपनिषद पुराण इन सब के बारे में बताते हैं, सही गलत मुहूर्त का आभास कराते हैं। और कुछ लोगों ने बोला नहीं नहीं ये नहीं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? डॉक्टर्स यानी वैद। क्यों? क्योंकि वो राजा के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये वो बताते हैं। और कुछ लोगों ने बोला इन सबको अलग हटा के कि सैनिक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सिपाही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है राजा की लाइफ में। क्यों? क्योंकि वो राज्य की रक्षा करते हैं और राजा के प्राणों की भी रक्षा करते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर चोज टू फाइट एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। अब तीसरे क्वेश्चन के आंसर्स में किसी ने विज्ञान चुना, किसी ने कोई और सब्जेक्ट चुना, किसी ने बोला कि सबसे ज्यादा फाइटिंग करना जरूरी है, किसी ने बोला नहीं ज्ञान बढ़ाना जरूरी है, तो सब लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए। अब राजा कंफ्यूज्ड हो गया, उसने कहा सब अलग अलग जवाब दे रहे हैं, मैं किसको सही मानूं और किसको गलत मानूं। तो इसीलिए राजा ने जो घोषणा करवाई थी कि वो सबको धन राशि देगा, बहुत सारा धन देगा, उसने किसी को भी कोई रिवॉर्ड नहीं दिया, किसी को भी कोई इनाम नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for a wisdom. अब फाइनली राजा को जब अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने तय कर लिया कि अब मैं जाकर
वन में उस साधु से मिलूंगा जो कि अपने ज्ञान के लिए चारों ओर प्रसिद्ध है। अब राजा ने यात्रा शुरू कर दी, किसके पास जाने के लिए? उस साधु महात्मा के पास जाने के लिए जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। द हर्मिट लिव्ड इन अ हट इन द फॉरेस्ट विच ही नेवर लिव्ड। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल। सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। अब ये जो साधु थे ये हर किसी से मिलना पसंद नहीं करते थे और जिससे भी मिलते थे वो हमेशा साधारण व्यक्ति ही होता था। वो साधारण लोगों से ही मिलना पसंद करते थे जो लोग सादगी में विश्वास रखते थे। तो राजा जब जंगल में उस साधु से मिलने गया, उन्होंने अपनी वेशभूषा को बदला, उन्होंने अपने जो महंगे वस्त्र थे वो सारे बदल के बड़े ही आम मैले नॉर्मल तरीके के वस्त्र पहने और उसके बाद जो है उन्होंने अपना घोड़ा और बाकी सैनिकों को पीछे छोड़ दिया और खुद आगे पैदल चलकर कहाँ पहुंचे? साधु के कुटिया के नजदीक पहुंच गए। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. अब जब राजा वहां तक पहुंचा साधु के घर के पास, तो उसने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो साधु है वो मिट्टी से गड्ढा खोद रहे हैं और जो साधु है वो बहुत ज्यादा एजेड है, यानी काफी बूढ़े हो चुके हैं, उनकी काफी एज हो चुकी है, इसीलिए वो गड्ढा खोदते हुए थक चुके हैं। ही इज टायर्ड, ही इज ब्रीदिंग हेवीली। उनकी सांस भी फूल रही है। द किंग वेंट टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू आंसर थ्री क्वेश्चंस। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग इन द राइट टाइम? Who are the people I need the most? What affairs are most important? तो साधु के पास पहुंच के राजा ने बड़े ही विनम्रता से साधु को बोला, महाराज मैं आपसे मेरे तीन सवालों के उत्तर जानने आया हूँ। कि मेरे सवाल हैं, मुझे कैसे पता चले कि किस वक्त क्या सही काम करना है? कौन वो लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है और सबसे ज्यादा जरूरी काम कौन से हैं? द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। ही वेंट ऑन डिगिंग। यू आर टायर्ड, सेड द किंग, लेट मी टेक योर स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। तो साधु ने राजा की तरफ देखा और फिर वापस अपना काम करने लगा। ठीक है, अब राजा ने कहा कि हे महाराज, आप काफी थके हुए प्रतीत हो रहे हैं, आप थक गए हैं, आपकी सांस भी फूल रही है, क्यों ना आप बैठ जाएं और मैं आपकी जगह ये काम कर दूं, मैं गड्ढा खोद देता हूं, आपकी मदद कर देता हूं। थैंक्स, सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड। तो साधु ने राजा को धन्यवाद देते हुए अपना जो कुल्हाड़ी था वो राजा के हाथ में पकड़ा दिया। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। और इसके बाद क्या हुआ? वो धरती पर बैठ गए। When the king had dug two beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade. अब दो गड्ढे खोदने के बाद राजा ने बोला कि महात्मा मैंने काफी काम कर दिया है, अब आप मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। पर साधु ने कुछ नहीं बोला, उल्टा अपना हाथ आगे कर दिया और अपनी कुल्हाड़ी वापस मांगने लगा। And said, now you rest and let me work. अब साधु ने कहा, एक काम करो, अब तुम बहुत काम कर चुके हो, तुम कुछ देर सुस्ता लो, तुम थक गए होगे, तुम रेस्ट करो और मैं बाकी का काम करता हूँ। But the king did not give him the spade and continued to dig. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. तो राजा ने साधु को कुल्हाड़ी वापस नहीं दी, बल्कि वापस से धरती खोदनी शुरू कर दी।
और इस तरह से राजा जो है काम करता चला गया। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए और इस तरह धीरे धीरे समय ढल गया, दिन पूरी तरह से ढल गया और शाम हो गई। तब राजा ने कहा, हे महात्मन, मैं आपके पास अपने प्रश्नों का उत्तर लेने आया था। अगर आपके पास मेरे प्रश्नों का उत्तर हो तो कृपया मुझे दे दे, अन्यथा मुझे बोल दे, मैं अपने घर वापस लौट जाता हूँ। Here comes someone running, said the hermit. The king turned and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell on the ground. अब जब राजा अपनी बात साधु से कह रहा था, तो साधु ने एकदम राजा का ध्यान दूसरी तरफ करते हुए कहा, देखो देखो कोई भागा चला आ रहा है। राजा ने देखा कि एक आदमी भागा चला हुआ आ रहा है और भागते हुए क्या देखा कि जो आदमी है उसने अपने पेट को कस के पकड़ा हुआ है। जब वो भागते भागते राजा के पास पहुंचा तब वो वहां पे गिर के बेहोश हो गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। The king redressed the wound until at the last bleeding stopped. तो राजा और साधु ने धीरे से उस आदमी को उठाया और देखा। जब देखा तो पता चला कि उसके कपड़े हटाने पे कि उसके पेट से खून बह रहा है, उसे चोट लगी है, उस पर किसी ने हमला किया है और इसीलिए उसके पेट से निरंतर क्या हो रहा है, खून बह रहा है। ठीक है, as you can see in the picture, राजा ने कोशिश की कि किसी तरह खून को रोका जा सके लेकिन खून बहता ही जा रहा था। तब राजा ने दोबारा से उस जख्मी इंसान की चिकित्सा की और उसकी पट्टी दोबारा खोल के पूरे अच्छी तरह से बांधी जब तक कि खून बहना बंद नहीं हुआ। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। By this time the sun had set and the air was cool. The king with the hermit help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. अब जब जख्म पर मरहम पट्टी लग गई तब उस आदमी को थोड़ा सा अच्छा महसूस होने लगा। उसने राजा से थोड़ा सा पानी मांगा क्योंकि उसे प्यास लगी थी। राजा दौड़ के गया और उसके लिए पानी लेके आया। अब पानी पीने के बाद जब राजा ने देखा कि सूरज ढल चुका है और शाम हो चुकी है, तब राजा और साधु ने धीरे से उस आदमी को अपना सहारा देकर उठाया और उसको कुटिया के अंदर ले जाकर बेड पर लेटा दिया। द किंग वॉज सो टायर्ड दैट ही ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। व्हेन ही वोक इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेम्बर वेयर ही वॉज एंड हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज। अब काफी रात हो चुकी थी, राजा भी दिन भर थक चुका था, वो वहीं फर्श पे लेट गया और उसे नींद आ गई। अगली सुबह जब राजा की आंख खुली तब उसे कुछ देर लगी ये समझने की मैं कहाँ है। कुछ देर के तो वो चौंक गया कि उसका राजमहल कहाँ गया, वो यहाँ कैसे है। फिर उसे याद आया कि कल क्या क्या घटना हुई थी। वो एक साधु की कुटिया में आया था सवाल ढूंढने के लिए, फिर एक जख्मी इंसान आया, उसका उन लोगों ने ट्रीटमेंट किया और फिर वो वहीं रात भर रुक गया। Forgive me, the said the bearded man in a weak voice when he saw the king was awake. I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. You don't know me, but I know you. I am the enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see the hermit and I made up my mind to kill you on your way back home. तो जो आदमी था जब उसने देखा कि राजा की नींद टूट चुकी है और राजा जाग गया है, तब उसने बड़ी ही करुण स्वर में उस राजा से बोला, मुझे क्षमा करें महाराज। तो राजा चौंक गया, उसने बोला, मैं आपको जानता नहीं और आपको मुझसे किसी भी बात के लिए क्षमा मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिना बात के मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। तब उस आदमी ने कहा कि शायद आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। आज से कई सालों पहले आपने मेरे भाई को सज़ा सुनाई थी और मैं आज उसी बात का बदला लेने आया था।
आपने मेरे भाई को मौत की सजा दी थी और उसकी सारी जो प्रॉपर्टी थी, जायदाद थी, वो ले ली थी। और मुझे इसी बात का गुस्सा था और मैं आपसे बदला लेना चाहता था। मुझे पता था कि आप आज महात्मा से मिलने के लिए महल से बाहर जाएंगे, इसीलिए मैं आपका पीछा कर रहा था और आपको मारना चाहता था। बट द डे पास एंड यू डिडेंट रिटर्न, सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकोगनाइज मी एंड वुडेड मी। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई वुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स। तो उस आदमी ने बताया कि मैं आपको मारने के लिए एक जगह पे छुप के बैठा हुआ था कि कब आप साधु महाराज के आश्रम से वापस आएंगे और मैं आपको रास्ते में ही खत्म कर दूंगा। लेकिन आप काफी देर तक नहीं लौटे तो मैं अपने जहां पे मैं छुपा हुआ था वहां से निकल आया और आपके बॉडीगार्ड ने मुझे देख लिया। एंड व्हेन योर बॉडीगार्ड सॉ मी ही अटैक्ड मी, उसने मेरे ऊपर हमला किया और मुझे चोट लग गई। मैं अपनी जान बचा के वहां से भाग के आया। मैं मर जाता अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती और मेरी मरहम पट्टी नहीं की होती। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज द मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम। फॉरगिव मी। तो उस आदमी ने बोला कि मैं आपको मारना चाहता था लेकिन आपने मेरी जान बचाई। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। आज से मैं आपका सेवक बन के आजीवन आपकी सेवा करूंगा और मेरे जो आगे पुत्र हैं वो भी आपकी हमेशा सेवा करेंगे। कृपया मुझे क्षमा करें। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। अब राजा बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। वो इस बात से प्रसन्न था कि इतनी आसानी से उसने अपने दुश्मन का दिल जीत लिया और वो दुश्मन अब उसका दुश्मन नहीं था बल्कि दोस्त था। राजा ने उस आदमी से वादा किया कि वो अपने डॉक्टर यानी अपने वैद्य को उसकी देखभाल करने के लिए भेजेंगे और साथ ही उसकी जो भी जायदाद है उसको वो वापस कर देंगे। लीविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक फॉर द हर्मिट। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। तो राजा बाहर गया और बाहर जाकर क्या देखा कि वो जो साधु महात्मा थे वो उस गड्ढे में जो पहले दिन उन लोगों ने किया था उसमें बीज बो रहे हैं। तब राजा ने बड़े ही विनम्रता के साथ साधु से पूछा, महाराज क्या आप मेरी मदद करेंगे? आपसे मैं कल से अपने 3 सवालों के उत्तर जानना चाह रहा हूँ, क्या आप मुझे वो उत्तर दे सकते हैं? तब साधु ने मुस्कुराते हुए राजा की तरफ देखते हुए कहा, आपको आपके सभी सवालों के जवाब ऑलरेडी मिल गए हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वॉट डू यू मीन? अब राजा चौंक गया। उसने बोला, मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा, आप क्या कहना चाहते हैं महाराज? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए हैं लेकिन आपने तो मुझे कोई जवाब दिया ही नहीं। डोंट यू से, द हर्मिट रिप्लाई, इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दोज बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स। सो महात्मा ने कहा, क्या आपको रियलाइजेशन नहीं हुआ कि कल जब आप ये गड्ढा खोद रहे थे मेरे लिए, अगर आप को मुझ पे दया नहीं आई होती मेरे उम्र का लिहाज करके, तो आप ये गड्ढा नहीं खोदते। और अगर आपको गड्ढा खोदने में टाइम नहीं लगता तो आप उसी समय वापस चले जाते। अगर आप राजमहल की तरफ वापस जाते तो ये जो आदमी आपका शत्रु था जो छुपा हुआ था आपको मारने के लिए, वो आप पर अटैक करता और आपकी मृत्यु हो जाती। इसीलिए सही समय वही था जब आप जो है ये गड्ढा खोद रहे थे।
I was the most important man and to do the good was your most important business. और आपके लिए उस वक्त मैं सबसे important इंसान था और मेरे लिए काम करना आपके लिए सबसे जरूरी था. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. So, he was the most important man and what you did to him was the most important business. So, Maharaj ne phir se samjhaya, jo sadhu mahatma the, unhone Raja ko bola ki, hey Rajan, uske baad, जब ये आदमी जख्मी होकर हम तक आया तब आपने उसकी सेवा की, तो उस समय उसकी सेवा करना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था, यानी सबसे जरूरी काम था. सो द हर्मिट सेड कि दैट वॉज द राइट टाइम व्हेन यू सेव द पर्सन्स लाइफ. जब आपने उस इंसान की जान बचाई तो वही सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति था आपके लिए, क्योंकि अगर वो आप उसकी जान नहीं बचाते तो फिर वो इंसान तभी के तभी मर जाता और वो हमेशा अपने मन में यही आक्रोश लेके मरता कि उस राजा ने मेरे साथ अन्याय किया है. अब क्योंकि आपने उसकी सेवा की और उसको उसका जीवन वापस मिल गया, इसीलिए आपकी और उसकी दुश्मनी कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है. तो इसीलिए जो काम आप उस समय कर रहे थे, जो आपने उस आदमी की सेवा की, उसका ध्यान किया, वही सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था. रिमेंबर देन देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ. यानी कि आपके पहले सवाल का उत्तर कि कौन सा समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है अभी. हर टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं और हमें उन चेंजेस के अकॉर्डिंग ही डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ठीक है. तो अभी यानी कि आज अभी यही वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. It is the most important time because it is the only time when we have the power to act. और ये सबसे important time क्यों है, क्योंकि यही वो समय है जब हम कुछ कर सकते हैं. जब समय बीत जाता है तब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं रहता और जो समय अभी तक आया नहीं है उसके बारे में सोच के कुछ फायदा नहीं है, ठीक है. The most necessary person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in future and whatever we will meet anyone again or not. और सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति कौन है जो आपके साथ इस वक्त है, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि आगे आने वाले समय में हम किससे मिलेंगे और हमें ये भी नहीं पता कि जो व्यक्ति अभी हमारे साथ है उसके साथ हम फिर कभी मिलेंगे ये भी या नहीं मिलेंगे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू द पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन. और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है वो है हमेशा अच्छे कर्म करना, क्योंकि ईश्वर ने हमें इस धरती पे अच्छे काम करने के लिए ही भेजा है. सो इन दिस वे द किंग फाइनली फाउंड द आंसर टू हिज ऑल द थ्री क्वेश्चंस. इजंट इट अ इंटरेस्टिंग चैप्टर. आई होप चिल्ड्रन दैट यू हैव एंजॉयड द चैप्टर एंड लर्नड अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लेसन. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस क्विकली द वर्ड मीनिंग्स. Hermit means a person living in loneliness and a religious follower, एक साधु या महात्मा जो सबसे अलग होके अपनी भक्ति में लीन रहते हैं. Affairs means an event or a situation. Bed का मतलब एक जमीन का एक हिस्सा जिसको हम क्यारी भी बोलते हैं हिंदी में, जहाँ पर हम फूल या फल उगाते हैं. Seized मतलब take someone's possessions forcefully, किसी की चीज़ों पे ज़बरदस्ती अधिकार ले लेना, किसी से छीन लेना. Pleasures means feeling of being happy, यानी बहुत खुश होना. Stretching means to pull something, किसी चीज़ को खींचना. Impossible means not able to be done or happen, यानी ऐसा कोई काम जो करना मुमकिन ना हो. Wound means an injury, यानी कि चोट. So now let's move towards the exercises. We have MCQs, so let's start the discussion of the MCQs. एक एक करके सारे MCQs discuss करते हैं. The first one, the king wanted to know the answers of dash question 2, 4, 3 or 6. So right answer is 3 questions, okay? तीन सवालों के जवाब. Third, the hermit lived in a hut in the village, forest, mountain or city. वो जंगल में रहता था, वन में रहता था. So forest is the correct option. थर्ड क्वेश्चन, द हर्मिट ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड वॉकिंग, रनिंग, डिगिंग और सिंगिंग. जब पहली बार राजा साधु से मिला, साधु
धरती पर गड्ढा खोद रहा था, यानी जमीन में गड्ढा खोद रहा था, तो ही केप्ट ऑन डिगिंग, ठीक है, उन्होंने खोदने का काम जारी रखा, उसे रोका नहीं। फोर्थ द किंग टर्न्ड अराउंड एंड सॉ अ मैन बियर्डेड थिन फैट और शॉर्ट, ही सॉ अ बियर्डेड मैन। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद दिस एक्सरसाइज, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। नाउ वी हैव टू डू फिल इन द ब्लैंक्स, हमें कुछ वर्ड्स फिल करने हैं एंड वी नीड टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। तो आइए करते हैं। फर्स्ट वन, द किंग सेंट डैश थ्रू आउट हिज किंगडम, द किंग सेंट मैसेंजर्स, उन्होंने संदेश वाहक भेजे थे ना, सो मैसेंजर्स। क्लियर। सेकेंड, मेनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल डैश डिफरेंटली, बट दे ऑल answered differently, उन सब ने क्या किया, अलग अलग answers दिए, so they all answered differently, okay? Third one, it was dash to decide in advance the right time for doing something, it was impossible, all right? Next, fourth statement, the king decided to seek dash of a certain hermit, seek help, ठीक है, the king decided to seek help of a certain hermit, and the last sentence, the hermit dashed the king and continued digging, the hermit saw the king and continued digging. You can write saw also, you can write looked also, okay? And you can write another option is, एक और option भी लिख सकते हैं, that is greeted. Clear? तो all the three options are correct for this particular statement. Hermit ने देखा, that is also true. Hermit ने राजा को अभिनंदन किया था मिलने के बाद, वो भी true है. Okay? So with this we are done with the exercises. I hope that you have also done the exercises in your notebook. I will meet you again, students, with a new chapter of your class 7 English book very soon. So stay tuned for the new video. Bye bye and take care.